और आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में बीएड के छात्र छात्राओं के लिए स्वागत सह परिचय सत्र का आयोजन किया गया। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में नए सत्र के भावी शिक्षकों के लिए इंट्रोडक्शन सेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर बीएड विभाग के सभी फैकल्टी एवं प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर एसएस रज्जी भी मौजूद थे। डॉक्टर रज्जी ने भावी शिक्षकों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में उन्हें पाठ्यक्रम के विषय में विस्तार से जानकारी दी। अपनी बात को संक्षिप्त में रखें ताकि उनकी बात को सुन के समझ सके और फिर वो अपनी जगह पे बैठ जाएं ताकि जो उन्होंने बात की, मैं जो आपके सामने बात रखना चाह रहा हूं करता हूं आज। क्योंकि आप बीएड के छात्र हैं, अपने विभिन्न मांगों को लेकर गत 3 दिसंबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे विकलांगों ने अब भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। गत 3 दिसंबर से विश्व विकलांग दिवस के मौके पर उपायुक्त कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे विकलांगों का कहना है कि 5 दिन हो गए हैं, पर अभी तक उनकी सुधी लेने कोई भी सरकारी अफसर नहीं आया। उन्होंने भूख हड़ताल की चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी वे अनशन स्थल से नहीं उठेंगे। उनके प्रमुख मांगों में सरकारी व गैर सरकारी नौकरी में 3% आरक्षण, चुनाव व 20 सूत्री कमेटी में सदस्यता आदि शामिल है। हमारी मांगे विकलांग एकता, हमारी मांगे। आज हम लोग का 5वां दिन है और हम सब विकलांग लोग यहाँ करीब 400-500 लोग बैठे हैं। अभी तक बैठते हो डेली आ रहे हैं। हमारे ही जमशेदपुर के रघुवर दास जो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री है वो जमशेदपुर आ रहे जा रहे, बड़े बड़े पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मगर हम लोग अब विकलांग के बारे में न सोच रहे हैं, देख रहे हैं। उसी बड़े बड़े लोगों के बारे में ध्यान दे रहे हैं और बड़े बड़े लोगों को चाहते हैं। आखिर हम विकलांग कहाँ जाएँ? हमारा भी तो अधिकार है इस देश में। हमारे मुख्यमंत्री ने उनसे अनुरोध है कि हम विकलांग पर भी ध्यान दें। आज 5 रोज हो चुका है, हम बहुत परेशान हैं। अगर हम लोग की मांग पूरा नहीं होगी तो हम लोग भूख हड़ताल चालू कर देंगे 2-4 रोज के अंदर। आज हम लोग 5 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर ही और कोई भी हम लोग को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आ नहीं रहा है। और इसी तरह से अगर हम लोग रहें तो हम लोग का कुछ भी हो सकता है यहाँ पर ही। क्योंकि कल भी 2 लोग बीमार पड़ गया इस जगह में रह करके, ठंडा पड़ता है यहाँ पर ही, कोई मैंने साधन। मंत्री साहब इस रास्ते से कल हम लोग 2-3 बार देखे, आर पार हुए, लेकिन एक बार भी हम लोग की तरफ में ध्यान नहीं दिया। ऐसे करने से नहीं चलेगा और हम लोग इसी तरह से रहा तो हम लोग भूख हड़ताल शुरू करने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। भाजपा द्वारा सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंप कर न्यू पुरुलिया रोड में पुआल गाड़ी के प्रवेश पर रोक हटाने की मांग की गई है। मालूम हो कि न्यू पुरुलिया रोड मानगो में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इससे पशुओं का चारा पुआल लेकर जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया जा रहा है, जिसके चलते पशुओं को चारा के बगैर रहना पड़ रहा है तथा पशुपालक भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। भाजपा ने ज्ञापन के माध्यम से पुआल गाड़ी पर से रोक हटाने की मांग की है। जानवरों के लिए जो अति आवश्यक चीज पुआल नहीं पहुंच पा रहा था, हमने उपायुक्त से मिलकर नो एंट्री खुलवा कर और गाड़ी पुआल गाड़ी प्रवेश करने का गुहार लगाया था, जिसे उपायुक्त ने मंजूर कर लिया है और आज रात से ही नो एंट्री के बाद में पुआल गाड़ी प्रवेश हो जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जुबली पार्क में वाहन प्रवेश में रोक लगाने का स्वागत किया है, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था व सीसीटीवी लगाने की मांग प्रशासन से की है। जुबली पार्क में रात्रि 9 बजे के बाद से वाहनों के प्रवेश पर रोक का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने स्वागत किया है। बाबर खान के नेतृत्व में उपायुक्त को ज्ञापन सौंपने आए कार्यकर्ताओं ने पार्क में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाए जाने तथा सीसीटीवी लगाने की मांग की है। इसमें सर्वप्रथम है जुबली पार्क पर जो रात के समय 9 बजे रोक लगा दी गई है, इस पर हम लोगों का मानना है कि अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर रोक लगाई गई है तो इस पर और भी समाधान की आवश्यकता है और हम चाहेंगे सारा व्यवस्था होनी चाहिए। हर प्रवेश द्वार पर कम से कम सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पहचान पत्र लिया जाए, उसके बाद जुबली पार्क में लोगों का प्रवेश होना चाहिए। हिंदुस्तान के किसी पार्क में वाहनों का आना जाना नहीं होता है, लेकिन हमारे पार्क में बड़े से बड़े गाड़ियों का आना जाना होता है, इस पर रोक होनी चाहिए। और जितने भी प्रवेश द्वार हैं उस सारे द्वार पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोग मानगो ऐसा विशाल जन समूह वहाँ रहता है, लेकिन वहाँ पर एक भी पार्क नहीं है,
ये अपने आप में हमको लगता है कि जिला प्रशासन के लिए और राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। हम चाहेंगे कि वहाँ भी एक पार्क का निर्माण होना चाहिए, साथ ही साथ गांधी मैदान को एक विशाल स्टेडियम का रूप दिया जाए। उस क्षेत्र में एक भी खेलने कूदने का मैदान नहीं है और वो मैदान भी है तो असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। वहाँ पर भी एक स्टेडियम का अगर रूप दिया जाता है तो कई बच्चों का जो खेल की दुनिया में छुपे हुए हैं वो सारे लोग सामने आएंगे। साथ ही साथ कनवाई चालकों का न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर भी आज चर्चा है, क्योंकि चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्री जो है वो रिपोर्ट सौंप चुका है। निश्चित रूप से अभी उस पर हम लोगों का जो भी बातचीतें होंगी हम लोग आप लोगों को उस सारी चीजों पर सारी जानकारी देंगे। ब्रेक के बाद आइए हम खबरों में फिर से आगे बढ़ते हैं। शहर में विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा SSP को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रेम कुमार के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी द्वारा SSP को ज्ञापन सौंपकर शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की गई है। शेखपुर शहर में विधि व्यवस्था बहुत तेजी से गिर रहा है, आए दिन दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, यातायात का नियम का पालन एकदम नहीं किया जा रहा है और तो और चोरी की घटनाएं और डकैती की घटनाएं में बहुत ही बढ़ोतरी। अभी हाल में NH3 पर परमेश्वर कॉलोनी में एक ही फ्लैट के 6-7 घरों में चोरी की वारदात बहुत देर तक होते रही और सारे लोग को बहुत ही बुरी तरह से लूटा गया, लेकिन पुलिस अभी तक कोई भी सामान बरामद करने में विफल रही है। सामानों की बरामदगी जल्द से जल्द नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी सड़क पर उतर जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर बनाने के संकल्प को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा द्वारा सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया, साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। उनका नेतृत्व कर रहे धर्मचंद्र पोदार ने कहा कि राम मंदिर बनाने का अधिकार हिंदू महासभा को है। हम लोग राष्ट्रपति महोदय के नाम पर एक ज्ञापन माननीय उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम झारखंड के द्वारा भेजे हैं और हम लोगों ने इसमें मांग की है कि सन 1992 में जो तोड़ा गया वो मंदिर था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने भी ये अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जो तोड़ा गया वह मंदिर था और श्री राजनाथ सिंह ने भी 7 दिसंबर को फैसले वाले साल में ही संसद में यह स्वीकार किया कि जो तोड़ा गया वह मंदिर था। अभी क्या मांग कर रहे हैं? और सन मांग रखी है कि एक तो सन 1964 में बिहिप का जन्म हुआ, उनको मंदिर बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हम सन 1950 से हिंदू महासभा सन 1950 से प्रमुख प्रतिवादी के रूप में मुकदमा लड़ रही है, इसलिए मंदिर बनाने का हक हमारा है, हमारे हक को नहीं छीना जाए। राष्ट्रपति महोदय से हमने मांग रखी है